जहां पहला सेशन उम्मीदों पर खत्म हुआ था, वहीं दूसरे सेशन की शुरुआत तो दमदार हुई, लेकिन अंत उस हिसाब से नहीं हुआ जैसा कि सभी को उम्मीद था। अपने 100वें टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली ने 8000 टेस्ट रन पूरा करके एक इतिहास रचा, लेकिन फैंस जिस बड़े शतक की उम्मीद उनसे कर रहे थे वो पूरा नहीं हो सका। दूसरा सत्र खत्म होते होते विराट कोहली की पारी समाप्त हो गई और फिर अंत भी भारतीय टीम के लिए ज्यादा सुखद नहीं रहा, जिसके बाद श्रीलंका ने भी किया है जबरदस्त पलटवार। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे दूसरे सेशन में एक बार फिर मैच ने लिया यूटर्न और जिसके बाद बराबरी का हो चला है ये मुकाबला। भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली के पीसी स्टेडियम में एक जबरदस्त मुकाबला प्रगति पर है। पहले सत्र में जहां भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 109 रन बना लिए थे, वहीं दूसरे सत्र में टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की। हनुमा विहारी ने दूसरे सत्र के पहले ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर धमाकेदार अंदाज में सेशन की शुरुआत की। दूसरे एंड से कोहली ने अगले ओवर में लखमल को आड़े हाथों लेते हुए एक जबरदस्त चौका जड़ दिया और भारतीय पारी सरपट दौड़ने लगी। देखते ही देखते विराट और हनुमा के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई और भारतीय टीम ने 130 के आंकड़े को भी पार कर दिया। 36वें ओवर में विहारी ने भी एक शानदार अर्धशतक लगाया और विहारी ने ये पारी खेलकर कप्तान के जताए भरोसे को सही साबित कर दिखाया। नंबर 3 पर विहारी ने पहली पारी में ही एक यादगार पारी खेल दी। वहीं दूसरे एंड से कोहली ने अपने 100वें टेस्ट में एक विराट उपलब्धि हासिल कर ली। कोहली ने जैसे ही अपनी पारी में 37 रन पूरे किए, वो भारत से 8000 टेस्ट रन बनाने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बने। वहीं 169 पारियों में ये उपलब्धि हासिल करके सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने। इसी बीच टीम इंडिया ने सिर्फ 43 ओवरों में 170 रन बना लिए, लेकिन यहां से मुकाबले की तस्वीर बदलनी शुरू हुई। 44वें ओवर में बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज एम्बल डेनिया ने सबसे बड़ा विकेट निकालकर भारतीय फैंस को बिल्कुल ही मायूस कर दिया। उन्होंने विराट कोहली को एक बाहर जाती गेंद पर फंसाया और विराट का ऑफ स्टंप्स बिखर गया, जिसके बाद विराट अर्धशतक भी बनाने से चूक गए और 45 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। वहीं इसके फौरन बाद श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फर्नांडो ने हनुमा विहारी को 58 के निजी स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ा दी क्योंकि सिर्फ 5 रन के अंतराल पर दोनों सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और अब 175 के स्कोर पर भारत के 4 विकेट निकल गए थे। अब यहां से पूरा दारोमदार श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के युवा कंधों पर रहने वाला है। जहां अय्यर के पीछे फॉर्म लगी हुई है, वहीं पंत आराम के बाद वापसी कर रहे हैं। ऋषभ ने आज एक शानदार छक्का जड़कर अपने आक्रामक तेवर की झलक तो दिखा दी है। वहीं अय्यर की बात करें तो उन्होंने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में शानदार डेब्यू किया था और पिछले 3 टेस्ट मैचों में 202 रन बना चुके हैं। वहीं बीते 3 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में श्रीलंका की टीम उनका विकेट लेने में सफल नहीं हुई है। ऐसे में अब सभी भारतीय फैंस यहां से यही उम्मीद कर रहे होंगे कि अय्यर और पंत की जोड़ी एक अच्छी साझेदारी करके भारत को एक बड़े टोटल की तरफ ले जाने में अपना अहम योगदान देगी। टी ब्रेक तक पंत और अय्यर ने 24 रन जोड़ लिए हैं और भारतीय टीम ने 53 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 199 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। ये सत्र जहां भारतीय टीम के लिए मिला जुला रहा, वहीं अब तीसरे और आखिरी सत्र में टीम इंडिया मुकाबले को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत यहां से वापसी करने में कामयाब हो पाएगा या श्रीलंका करेगी वापसी? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।